नहीं, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि एक अभी ना जो म्यूजिक इंडस्ट्री का जो हालत है उसमें नए लड़के लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा अच्छा काम अच्छा अच्छा म्यूज़िक लेके आ रहा है। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, मैंने जितने भी देखा इसमें असलम को मैंने देखा एक चीज़ कि ये लोग ना मॉडर्न थिंकिंग है, सब कुछ है, लेकिन क्या एक मेलेडी को रख के करते हैं, जो कुछ भी करते हैं मेलेडी के साथ म्यूज़िक कर रहे हैं। एंड मेलेडी ऐसा एक चीज़ है कि कभी नहीं मरती, मेलेडी हमेशा चलते रहते हैं हमेशा। तो असलम को मैंने देखा कि इन्होंने जो गाना किया इसमें भरपूर मेलेडी है, लिरिक्स राइटर को देखा एक स्टोरी टाइप का लिखने का कोशिश किया, बहुत ज़्यादा उर्दू शायरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, एक स्टोरी हो गाने में। हर गाने में पहले यही सही होता था ना, एक गाना सुन के पता चल जाता कि गाने में क्या बोलना चाहता है, क्या हो रहा है सिचुएशन। तो इस गाने में भी ऐसा ही लगा, जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे डायरेक्टर का नाम है प्रवीण गुप्ता, प्रवीण ही तो है, हाँ प्रवीण गुप्ता, प्रवीण गुप्ता जी ने बहुत अच्छा काम किया। लिरिक्स राइटर जैसे कि तनवीर गाजी साहब जिन्होंने ये लिरिक्स लिखा, टोटल एक टीम वर्क जो है ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी विद दैट सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली इसका हमारे फैंस जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सुने, जरूर सुन के वो डिसाइड करें। एंड सब ने अच्छा काम किया। देखिए पुराने गाने को लेके रिमिक्स हो रहा है और ये जो हो रहा है ये भी कुछ ख़राब चीज़ नहीं है, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव इसका साइड आप अगर देखोगे तो क्या होता है कि कुछ आज का जनरेशन जो है वो पुराने गाने जो जिसको लेके हम रिमेक कर रहे हैं, क्या है कि पुराने गाने उनको शायद मालूम ही नहीं होगा क्योंकि ये नया गाना नए रूप में आ रहा है, वो पुराने गाने तो उसके वजह से ये जान पाते हैं कि हु इज़ द सिंगर, हु इज़ द लिरिक्स राइटर एंड वो इज द म्यूजिक वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर। तो एक्चुअली क्या है कि ये एक पॉजिटिव थिंग है कि उनको मेलेडी को लेके ये लोग रिमेक कर रहे हैं, मेलेडी इतना हिट था उस मेलेडी को लेके, ऐसा नहीं कि पुराना उल्टा पलटा गाना कोई नहीं, मेलेडी को लेके कर रहा है, जो गाना हिट है, जो गाना हम लोग उस 90s में 80s में 70s में जो लोग सुनते थे जो गाने, उस गाने को अभी 2023 में लेके आ रहे हैं। तो आप सोचो कि इतना साल बाद उस गाने में कितना दम है जो आज भी लोग उस रिमेक को सुन रहे हैं। तो आई थिंक के इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बट सिमल्टेनियसली न्यू कमर्स जो लोग आ रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। हम जैसे सिंगर हो या हम जैसा बहुत सारे प्रोड्यूसर है, इन लोगों को चांस देना चाहिए, इन लोगों को सुनना चाहिए, कम से कम लिरिक्स राइटर हो या न्यू कमर म्यूजिक डायरेक्टर हो उनको सुनना चाहिए। आई रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इन लोगों को, नए लोगों को सुने और नए लोगों को देखिए, हम हमारा काम कर रहा है, हम नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, नए लोगों के साथ बहुत सारे गाने मेरा रिलीज़ हो रहा है एक के बाद एक, आप देख रहे हैं यूट्यूब में, तो हम तो कर रहे हैं, बाकी काम जिनका है थोड़ा वो लोग भी करे तो फिर मज़ा आ जाए। बहुत है यार, हज़ारों गाने हैं ऐसा जो रिक्रिएट बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। ये लोग पर्टिकुलर कुछ गाने को उठाते हैं, एक दो गाना जैसे कि आप देखा होगा मैं तो रास्ते से जा रहा था, ये मेलोडी से ये अच्छा है, उस समय हिट था, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग्स जो है मेरा है, तो उनको भी अगर लेके आएगा तो आई विल बी हैप्पी। नहीं हम तो देखो, हम सबसे बड़ी बात है कि हम हीरो बनने के लायक नहीं है, वो जबरदस्ती हम बनना नहीं नहीं ठीक है इट्स ओके, कभी कभी हो जाते हैं वो फोटो अच्छा ले लिया होगा तो ठीक है, लेकिन क्या है कि जिनका काम उसी को करना चाहिए। हीरो देखो ये अपना जो शरत है इसमें लग रहा है कि कुछ कर रहा है, वो एक्टिंग बोलो या उसका जो एक्सप्रेशन है
उसका जो बॉडी मूवमेंट है सब कुछ, ठीक है हीरो ठीक है वो, हमें आप मजाक में बोल दिया ठीक है इट्स ओके, हमें कोई सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। देखो हमें कोई बोले तो हम क्या, हम पियानो बजा के गा सकते हैं। हमारा एक गाना रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, पियानो बजा के एक गाना हमने रिलीज किया था, एक गाना समझ लो कोई चल के जा रहा हूँ बस इतना ही। वो ऐसा हीरोइन के साथ लपक झपक ना माफ करना भैया। हाँ बनने दो ना, जो बन रहा है बन रहा है ना, हमें नहीं बनना है सर जी। क्या कहना चाहोगे आप गाने के जी। बारे में, आप हिस्सा बने कुमार सानू जी की आवाज का कितना प्राउड फील बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हर हीरो और एक्टर का सपना होता है कि द लेजेंडरी सानू दा का वो एक गाना करे, तो मेरा वो सपना पूरा हो गया दादा। बिल्कुल आई थिंक वो म्यूज़िक वीडियो पूरा हुआ है, मेरा सपना अभी थोड़ा बाकी है, वो फिल्म में पूरा होना चाहिए, तो इंशाल्लाह किसी दिन मूवी होगा। बट थैंक यू दादा कि आपने जो जिस तरह से अपने लेजेंडरी जो अपनी आवाज़ हमें दी है, प्रवीण जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका डेब्यू है, आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, आई फैंटास्टिक थिंक जॉब, फैंटास्टिक हैज डन जॉब। फैंटास्टिक जॉब। आई थिंक असलम भाई, तनवीर भाई, एवरीबॉडी, एंड ऑब्वियसली टू टॉप इट वी हैव द माएस्ट्रो। तो आई थिंक पूरी टीम ने बहुत टीम, मेहनत की टोटल है, टीम वर्क पूरी टीम होता ने है बहुत ये। मेहनत की है, एंड आई थिंक जो आप देख रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, जो हमारे एडिटर बैठे हैं पीछे, मिराज भाई, आई थिंक एवरीबॉडी, आई थिंक सब ने बहुत मेहनत के बाद ये आपको दिखता है। तो उसके बाद जो कहते हैं ना, जो जो आइसिंग ऑन द केक, वो फिर दादा हो जाते हैं एकदम, कि उसके बाद तो एकदम सब कुछ रेडी हो जाता है, एंड इट्स रेडी टू पूरे दुनिया को ऊपर। बट टोटल टीम वर्क है, जी हम तो आपसे मानते हैं इसको। स्टोरी जाने है सर भाई, क्या कहना है किस तरह की स्टोरी? अब तो गोली मार दी ना, अब स्टोरी क्या है फिर? नहीं वो तो फिर आपको डायरेक्टर बता सकते हैं टू बी कंटिन्यू है कि नहीं, आपसे जानना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि अब मैं चीट करूं कि नहीं करूं। नहीं ये सस्पेंस रहेगी। हां जो सस्पेंस है जी, बाहुबली को किसने मारा? जी शरद जी एक सवाल मेरे मन में है कि आपके कोई भी गाने को एक मैसेज जाता है ऑडियंस को, भाई इसमें कोई तो मैसेज नहीं इसमें क्या मैसेज है। जाएगा? क्योंकि मैंने एक चीज मैंने नोटिस की पूरे गाने में, कि हम किसी को चाहते हैं और उसको हम वो अपने से दूर जाता है और भाई हम इतना उसको लंबा करने की कोई दागा दागा करोगे तो गोली खाओगे, गोली खाओगे सीधी बात है। इतना हाँ इतना लफड़ा करने की, मेरा दोनों क्या? कलकत्ता से हैं, हाँ हमें यही समझ में आता है, दागा खाओगे कोलकाता गोली खाओगे, पर सीधी बात है ना, दागा करोगे तो गोली खाओगे सीधी बात। वही तो सस्पेंस है, अभी बोला सर ने, ये तो सस्पेंस है किसको मारा, वो पार्ट टू में देखेगा आपको। बॉयफ्रेंड को मारा या लड़की को मारा किसी को पता नहीं चला ना, ये दिस इज सस्पेंस। आपको मैं चाहिए वो सेकंड पार्ट में तो बॉयफ्रेंड मर जाएगा। कैसा सीन रहा दोनों का, हीरोइन का आपके साथ? नहीं आज ये इंटरव्यू में है, मतलब ये मरा नहीं, मरी नहीं। सर आप जा रहे जी, आपके अगर अगर गाने उठा के देखें तो अक्सर आपने प्यार में दर्द कहा है, अक्सर है, लेकिन आप सर एज एन आपने डेब्यू किया तो आपने पेडी की शरद करके आज नीचे जाकर तो मैं हेल्प करता हूँ, सीधा गोली देता हूँ आप लोग, हीरो शरद सर जो बदला था आज तक तो सारा पूरा कर, वो पूरा हो गया एक ही बार में, बहुत बहुत सहता रहा, आप गोली मार दी। मैम आपसे मैं जाना चाहूँगा, कुमार सर है सर, अच्छी टीम आपके साथ, कैसा रहा आपके एक्सपीरियंस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट ये बहुत सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी लास्ट मिनट, दो दिन पहले आई थिंक आई गॉट अ कॉल एंड शरद ने कहा कि तुमसे एक बार गाना सुन लो, मैंने बोला ठीक है, एंड जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी उस पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि टू द सिंगर, बिकॉज ऑब्वियसली, एंड आई सेड यस लेट्स डू इट। सेट पर गई एंड थोड़ा थोड़ा आइडिया था क्या हो रहा है, लेकिन जैसे पहले वाले इंटरव्यू में कहा था कि काफ़ी एंड सॉन्ग डॉक्टर जी इन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, एंड द लिरिक्स आर अमेजिंग बाय तनवीर जी। इनफैक्ट ये शूट करने के 3 हफ्ते तक मैं ये गाना बस गाती रहती थी, एंड मुझे लोग पूछते थे कौन सा गाना गा रहे हो, आपको क्या हो गया है, कहाँ सुन लिया आपने ये गाना, एंड आई वाज लाइक नहीं ये कुमार सानू सर का गाना है एंड ये हिट जाएगा, आप लिख कर ले लो, एंड इट वॉज अमेजिंग म्यूज़िक असलम जी, वेरी वेरी अमेजिंग, एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू फैजल, फैजल ने ही इज़ द वन जिन्होंने मेक श्योर किया कि ये पूरा टीम साथ में रहे एंड ये आउटपुट अच्छे से आए, एंड
yeah, all in all, it was a very surprising yet thrilling experience. कुमार सर, जैसे आपने कहा कि दगा करेंगे तो गोली मार देंगे, आप किस तरीके के प्यार पे बिलीव करते हैं? बहुत दिन हो गया अभी इस बारे में ना पूछो तो अच्छा है, लेकिन क्या है कि प्यार का मतलब मैं ये समझता हूँ कि सिनेमैटिक जो होता है ना, वो एक किस्म का होता है कि आप बगीचे में गाना गा रहे हो, बारिश में भीग के दोनों रोमांस कर रहे हो, ये सब प्रैक्टिकलिटी में नहीं होता है. प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है कि लव इज़ अ, मेरे ख्याल में इट्स अ, नाउ इट इज़ गिव एंड टेक, बट इट इज़ सेक्रीफाइस. लव ऑलवेज सेक्रीफाइस से जाना जाता है कि वो लव लव है. तो एक होता है सेक्रीफाइस, एक तो होता है सेक्रीफाइस, दूसरा होता है ड्यूटी. ड्यूटी भी आता है बाद में, तो सेक्रीफाइस से वो ड्यूटी आता है. तो लव लाइक के हमको अगर पूछेंगे तो मैं ये इसमें बिलीव करता हूँ, इसमें बिलीव करता हूँ कि इसमें एक ड्यूटी होना चाहिए, इसमें एक दूसरा जो पॉइंट बोला वो होना चाहिए. दादा, 80-90 का जो दौर था, क्या धीरे धीरे वापस आ रहे हैं गाने, मेरे पुराने गाने जो हैं? और वाला करे कि वापस आए, ताकि हमारे समाज में भी थोड़ा सुधार आए. हाँ, क्योंकि 80s-90s के बोल के नहीं, मेलेडी वापस आए बस बहुत बड़ी बात है. 80s पूरे गाना खराब कर दिया था रिमिक्स मार के. आप बोल रहे हैं खराब कर दिया, कुछ लोगों ने उसके ऊपर तो बहुत नाचा, बहुत रोमांस किया. अभी आप कौन किसका क्या है ये देखिए, अभी रीमेक होता है तो उसका कुछ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. तो ये तो क्रिटिसाइज तो होगा ही, एंड डेफिनेटली सबसे बड़ी बात है कि ओरिजिनल सिंगर के साथ कंपेयर किया जाता है. आई थिंक वो करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज के सिंगर का वो अपने हिसाब से गाते हैं, अपना आज का समाज के हिसाब से गाते हैं. हम उसी समाज के हिसाब से गाए थे जिस समय हमारे उस, तो वो एक कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है. ये सब जो कंपैरिजन चलता है ना, अच्छा बुरा, ये सब एकदम हंसी मजाक वाली बात होती है, ये कोई मतलब ही नहीं होता है. कौन अच्छा कौन बुरा, ये कोई इसका मतलब ही नहीं है. हम हमारा जगह बना के रख दिया. और भी लेजेंडरी सिंगर्स बहुत सारे हैं हमारे इधर, वो अपना जगह बना के रख दिया. अभी समझ लो, उससे मैं अगर 2000 गाना ज़्यादा गाया, इसका मतलब मैं उनसे बड़ा नहीं हो गया, क्योंकि वो हमसे पहले आए, वो अपना जगह बनाया, हम उसको फॉलो किया. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. लेजेंडरी का एक मतलब होता है.
आजकल की जनरेशन वो हो सकता है कि उनको इसके तमाशा की उसकी तरफ नहीं है उनका विचार, और जो हमारी जनता से मैं चाहूँगा कि उनको प्यार मिले और ये सॉन्ग सबसे वो मुकाम पर पहुँचे और आगे भी उनको ऐसे ही।